वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा आईटीआई मांझापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज के जो प्रैक्टिकल करेंगे हम करेंगे टनल वायरिंग, अर्थात की सुरंग वायरिंग करेंगे। तो सुरंग वायरिंग क्यों किया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब आप किसी सुरंग में प्रवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर लाइट की अर्थात की लैंप की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम वहाँ पर लैंप लगाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको लैंप, दूसरा लैंप, तीसरा लैंप, चौथा लैंप स्टेप बाय स्टेप आपको ऑन करना होगा। तो इसमें सिस्टम ये होता है कि यदि आप फर्स्ट लैंप को ऑन करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दूसरे लैंप को जलाने के बाद आपका दूसरा लैंप ऑन होना चाहिए, फर्स्ट लैंप बंद होना चाहिए। तो ये सिस्टम है स्टूडेंट। अब इसमें देखेंगे कुछ मटेरियल्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स, टूल्स और मटेरियल्स और इक्विपमेंट लगेंगे यहाँ पर विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों, ये है हैमर। तो ये बॉल पिन हैमर है, इसकी ज़रूरत कभी कभी हमें पड़ती है। कॉम्बिनेशन प्लायर की ज़रूरत होती है, तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये 150 mm वाला कॉम्बिनेशन प्लायर है। कटिंग प्लायर की ज़रूरत होती है स्टूडेंट हमें, ये भी कटिंग प्लायर है। उसके बाद ये है होल्डर, और ये एंगल होल्डर जब यूज़ करेंगे तो ये सीधे स्ट्रेट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। एंगल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, ये पेंडेंट होल्डर है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये इसमें लगा हुआ है टू वे स्विच। तो ये जो टू वे स्विच है, टू वे स्विच की इसमें ज़रूरत होगी टनल वायरिंग में। तो ये हमें चार पांच जितने भी लैंप लगाना है उस हिसाब से, जैसे हम चार लैंप लगा रहे हैं तो चार हमारे पास यहाँ पर टू वे स्विच होना चाहिए, और ये बकायदा फिट होना चाहिए। तो इसमें आपको कनेक्शन करके करते हुए आना चाहिए। उसके बाद लैंप, ये जो लैंप है इसे कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। तो ये इनकैंडिसेंट लैंप होता है, अर्थात कि इसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट होगा उसे इनकैंडिसेंट लैंप कहेंगे। होल्डर का यूज़ करेंगे, तो ये होल्डर दिख रहा है आपको, पेंडेंट होल्डर। तो ये पेंडेंट होल्डर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, एंगल होल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नियॉन टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर। तो अलग अलग साइज़ के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ अलग अलग साइज़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर आवश्यकता अनुसार। अब इसमें जो वायरिंग करेंगे, वायरिंग हम करेंगे केसिंग, केपिंग वायरिंग। तो इसे कहते हैं केसिंग, और इसके ऊपर जो लगाते हैं उसको केपिंग कहते हैं। तो ये दिख रहा है स्टूडेंट, इसे केस कहेंगे, केसिंग, इसी के वो स्क्रू से फिट किया जाता है और इसके ऊपर इसको लगाया जाता है। तो ये इसकी केपिंग हुई। तो हम जो टनल वायरिंग करेंगे अर्थात सुरंग वायरिंग करेंगे, ये केसिंग केपिंग वायरिंग के द्वारा करेंगे, अर्थात कि केसिंग केपिंग के द्वारा वायरिंग के द्वारा किया जाएगा। कुछ इसमें वायर की ज़रूरत भी होगी हमें, तो हमें वायर की ज़रूरत होगी। हम इसमें 1.5 mm या 2 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एनर्जी मीटर यदि फिट करना है तो कर सकते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यदि आपको अलग से लगाना है लगा सकते हो, मेन स्विच या MCB लगा सकते हो स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मटेरियल की ज़रूरत होगी, टूल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम की ओर, इसका कनेक्शन डायग्राम। तो सबसे पहले टनल वायरिंग की सर्किट कनेक्शन देखेंगे। तो ये जो सर्किट है, यहाँ सर्किट में आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये दिख रहा होगा आपको तीन लैंप, यहाँ पर तीन लैंप कनेक्ट है, और तीनों लैंप में आपको दिख रहा होगा इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर टू वे स्विच यूज़ करेंगे। तो ये दिख रहा है 1, 2, 3, 4। जब यदि तीन लैंप आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास चार स्विच को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो स्विच होगा ये सभी को बंद करेगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रेड कलर का ये फेस की लाइन है, अर्थात कि सभी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में फेस का लाइन होगा, मतलब फेस तार से कनेक्ट होगा। तो ये जो लाइन है इससे फेस वाले वायर से कनेक्ट होगा ऊपर से, मतलब कि ये जो स्विच है 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ये इसमें चारों स्विच ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ये फेस वायर से कनेक्ट होगा। उसके बाद नीचे वाला जो न्यूट्रल की लाइन होगी, न्यूट्रल की लाइन सभी में कॉमन होगी स्टूडेंट, और ये नीचे वाला जो पॉइंट होगा ये स्विच का, ये सभी से कनेक्ट होगा। अब देखेंगे ये जो लैंप दिख रहा है लोड, अब लोड का कनेक्शन कैसा करें? तो लोड के कनेक्शन करने के लिए टू वे स्विच के बीच वाला जो पॉइंट है, मिडिल वाला जो पॉइंट है, मिडिल वाले पॉइंट को हम एक साइड से यहाँ पर बीच से फेस, अर्थात कि ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका फेस का और इस साइड वाला हो जाएगा आपका न्यूट्रल का, ठीक है स्टूडेंट। तो हम किस टाइप से कनेक्शन करेंगे, लैंप में एक फेस एक न्यूट्रल होगा, तो यहाँ से इसको इसके फर्स्ट वाले मिडिल पॉइंट से निकाल के एक लैंप कनेक्ट होगा, लैंप के दूसरे सिरे से निकालेंगे तो दूसरा लैंप कनेक्ट होगा, फिर वहीं से इसको बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे अर्थात कि फेस वाले से, क्योंकि स्विच को हमेशा फेस में कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में। तो यहाँ से इस टाइप से इसको कनेक्शन करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड लैंप का कनेक्शन होगा मिडिल वाले पॉइंट से, तो एक फेस एक न्यूट्रल देंगे इस तरीके से स्टूडेंट, यहाँ पर कनेक्शन इसका होगा। तो ये जो लैंप दिख रहा है आपको न्यूट्रल और फेस, तो ये हो जाएगा ब्लैक वाला न्यूट्रल पॉइंट, ऊपर वाला रेड वाला हो जाएगा फेस का पॉइंट।
इसका कनेक्शन स्टूडेंट जब तीन लैंप होगा तो चार स्विच कनेक्ट करेंगे, चार लैंप होगा तो पांच स्विच कनेक्ट करेंगे, पांच लैंप होगा तो छह स्विच कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो इस टाइप से इसका कनेक्शन किया जाएगा। ऑल ओवर इसका जो सर्किट डायग्राम है आप इस टाइप से इसे देख सकते हैं। तो ये कहलाता है स्टूडेंट केसिंग, अर्थात कि ये जो प्लास्टिक की व्हाइट वाली बीट दिख रही है ये इसे कहते हैं केसिंग। और इसके ऊपर यदि जब आप फिट करेंगे तो ये हो जाएगा केपिंग। तो ये जो पट्टी इसके ऊपर जब फिट करेंगे तो ये हो जाएगा केपिंग। क्लियर है स्टूडेंट? तो केसिंग और केपिंग वायरिंग क्या होती है आप इससे समझ सकते हैं। अब बात आती है सर्किट डायग्राम की। तो हम यहाँ पर टनल वायरिंग कर रहे हैं अर्थात सुरंग वायरिंग कर रहे हैं। तो सुरंग वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच लैंप यूज़ करेंगे। चार लैंप का भी बना सकते हैं, पाँच लैंप का भी बना सकते हैं। जैसे चार लैंप का यूज़ करेंगे तो आपको वायरिंग इस टाइप से करना होगा। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ केसिंग की फिटिंग करके रखे हैं। उसके बाद जैसे ही इसके जो कनेक्शन करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये ICDP स्विच है, कनेक्शन के लिए कर दिया हमने। अब इसके बाद जब इसकी वायरिंग करेंगे, अभी पूरा कनेक्शन बाकी है इसका, अभी इसके बाद इसकी वायरिंग करेंगे और वायरिंग के बाद पूरा परफॉर्म करके बताएंगे। देखेंगे तो ये है सुरंग वायरिंग अर्थात की टनल वायरिंग। टनल वायरिंग में सबसे पहले वायरिंग, ये जो वायरिंग की हुई है केसिंग केपिंग वायरिंग है, सबसे पहले एनर्जी मीटर लगाएंगे, उसके बाद ICDP स्विच को लगाएंगे स्टूडेंट। अब ये जो वायरिंग है, वायरिंग करने का जो मेन सिस्टम होगा, सबसे पहले ये लैंप ऑन होना चाहिए, फिर जैसे ही दूसरे स्विच को ऑन हम प्रेस करेंगे तो ये लैंप बंद होना चाहिए, दूसरा चालू होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम टनल वायरिंग। तो सुरंग वायरिंग में सबसे पहले ऑन करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए दोनों लैंप, उसके बाद जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो ये लैंप बंद होना चाहिए स्टूडेंट, और नेक्स्ट वाला जो है लैंप ये ऑन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही तीसरा स्विच हम प्रेस करेंगे तो ये सेकेंड वाला लैंप बंद होना चाहिए और नेक्स्ट वाला जो बल्ब है ये ऑन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो ये थर्ड नंबर का जो लैंप है ये बंद होना चाहिए स्टूडेंट, और ये लास्ट वाला जो फिफ्थ नंबर का ये लैंप ऑन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही इसे प्रेस करेंगे हम तो पूरे लैंप एक साथ बंद हो जाना चाहिए। तो इस टाइप से आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों टनल वायरिंग अर्थात सुरंग वायरिंग। तो सुरंग वायरिंग जब भी करेंगे आप, टनल वायरिंग जब भी करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले ये लैंप ऑन होगा, इस लैंप को दूसरे स्विच को ऑन करेंगे, फिर से दिखा देते हैं। ये सिस्टम जो है सेम सुरंग वायरिंग का या टनल वायरिंग का होता है। यदि यहाँ से रिवर्स आपको आना है तो रिवर्स आना है तो यहाँ से आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला लैंप बंद हो जाएगा। वैसे ही जब आप रिवर्स आएंगे इसे प्रेस करेंगे तो ये वाला सेकेंड वाला लैंप बंद हो जाएगा, फिर इससे आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पर ये वाला लैंप बंद हो जाएगा, ये लैंप ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो ये लैंप पूरा बंद हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप टनल या सुरंग वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। हमारे साथ में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और इन्होंने ये वायरिंग किया हुआ है और काफ़ी अच्छी और सुगमता से वायरिंग किया हुआ है और अट्रैक्टिव वायरिंग किया है। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा स्टूडेंट।